50, 55, 57। देखिए जितनी बार मैं रिफ्रेश करूँगा उतना ज़्यादा इम्प्रेशन जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल लाइव है। और फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, 264, 266, 269। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लाया हूँ जिससे आप अपने दोस्तों को परेशान कर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको बता सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इम्प्रेशन आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी वीडियो का। तो दोस्तों जब तक आपके वीडियो में इम्प्रेशन नहीं जाएगा तब तक आपके चैनल पे व्यूज नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा इम्प्रेशन कैसे बढ़ रहा है और किस कारण बढ़ रहा है और वो आपके वीडियो में कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 135,131 इम्प्रेशन है, आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ, 135,131। देखिए अभी यहाँ पर 131 था, अभी आप देखें 243 है। चलिए फिर से मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, 50, 55, 57। देखिए जितनी बार मैं रिफ्रेश करूँगा उतना ज़्यादा इम्प्रेशन जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल लाइव है। और फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, 264, 266, 269, 273, ठीक है। जितनी बार मैं रिफ्रेश पूरा अगर मैं सारा दिन इसको रिफ्रेश करूँ तो ये बढ़ता जाएगा। ये कैसे बढ़ रहा है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइनिंग मेरा भी 0 इम्प्रेशन था जब मैं वीडियो पब्लिक किया, ठीक है। उसके बाद देखिए धीरे 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 ऊपर गया है, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको लाइनिंग दिख रही, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 130,000 का जो लिखा हुआ है, तो यहाँ तक हमारा ये नीला जो नीला लाइन है ये जा चुका है, टच कर चुका है, ठीक है। और यहाँ पर 135,000 इम्प्रेशन हो चुका है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे इम्प्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। उसके लिए हम लोग जाएंगे इस वीडियो में जो वीडियो, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कैसे ये इसमें व्यू जा रहा है। अभी कल ही मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है और इस इम्प्रेशन की वजह से मेरे चैनल पर जो व्यूज आए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 9,600, ठीक है, 9.6K, मतलब 9,600 मेरे इस एक वीडियो पे व्यूज आया है उस इम्प्रेशन की वजह से। और इसमें थंबनेल भी कुछ थोड़ा सा वर्क करता है, ठीक है। चलिए मैं आपके अब जाता हूँ इस वीडियो के टैग पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे, मोर ऑप्शन जो लिखा हुआ है इसमें आने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना सारा मैंने टैग लगाया है। देखिए ये सब टैग अगर आप अपने चैनल वीडियो के टैग में नहीं डालते हैं, ये नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप अपने वीडियो के टैग में अगर टैग नहीं डालते हैं तो आपका जो वीडियो सर्च में नहीं जाएगा, और सर्च में नहीं जाएगा तो लोग क्लिक नहीं करेंगे जल्दी, ठीक है। तो और कुछ मैटर करता है थंबनेल पर, अगर आपका थंबनेल बढ़िया है तो लोग उस पर क्लिक करते हैं। तो जब जितना ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे उसका इम्प्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर दिखाता हूँ बैक करके, यहाँ पर देखिए इम्प्रेशन CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, 6.6% है।
और यहाँ पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन है और ऊपर आप व्यूज देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं मैं अगर दोस्तों सॉरी दोस्तों बैक आता हूँ, इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ और फिर से इस पे जाता हूँ एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में आने के बाद इसके मतलब ये देखिए यहाँ पर सॉरी ये देखिए यहाँ पर 9668 व्यूज़ है। ठीक है, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी बढ़ेगा। देखिए अभी 68 था, यहाँ पर 70 हो गया है। तो जैसा वो इम्प्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे व्यूज़ भी बढ़ेगा। अब देखिए 71 हो गया। तो आपको दोस्तों क्या करना है, जो वायरल टैग है उसको अपने वीडियो के टैग में एंटर करना है। ठीक है, अगर आपका सॉन्ग से रिलेटेड है तो वो आप उसमें अपलोड करें, अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या फिर ब्लॉग है, म्यूजिक गेमिंग जो भी है, आप उसका टैग यहाँ से इसमें एंटर करें, तभी आपका दोस्तों वीडियो वायरल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।